बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शानदार वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल में वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज आई हैं। इन वैकेंसी के लिए आप लोगों को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है। दोस्तों, किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके। ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल कराची। दोस्तों, सबसे पहली पोस्ट है VIE टैंक ऑपरेटर सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट। चार इसकी वैकेंसीज हैं, 12वां स्केल है, सैलरी पैकेज 200 फिक्स है, ग्रेड के हिसाब से होगी और मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, कम से कम एक साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और दोस्तों सिंध कराची का डोमिसाइल होना चाहिए आप लोगों का। दूसरे नंबर पे दोस्तों इलेक्ट्रो मेडिकल मैकेनिक, चार वैकेंसी है, 12वां स्केल है, सैलरी पैकेज फिक्स है दोस्तों, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और सिंध कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, चार वैकेंसी है, 12वां स्केल है, ग्रेजुएट बेस पे है, सेकेंड डिविजन के साथ और साथ एक साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और डोमिसाइल दोस्तों सिंध कराची का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की, चार वैकेंसीज हैं, 12वां स्केल है, ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन के साथ साथ एक साल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर साइंस का, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और सिंध कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों AC एंड रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन, दो वैकेंसी है, 9वां स्केल है और मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, 18 से 35 साल तक की एज की लिमिट है, सिंध कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, 10 वैकेंसी है, 9वां स्केल है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और सिंध कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन, 6 वैकेंसी है, 9वां स्केल है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, एज की लिमिट सेम है और डोमिसाइल भी दोस्तों सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों लैब टेक्नीशियन की, 6 वैकेंसी है, 9वां स्केल है, सैलरी पैकेज 200 फिक्स है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों ECG टेक्नीशियन, 8 वैकेंसी है, 9वां स्केल है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और सिंध कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे अगली पोस्ट है दोस्तों मैकेनिक, दूसरा दो इसकी वैकेंसी है, 6ठा इसका स्केल है दोस्तों, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए और साथ दोस्तों डिप्लोमा ऑटो इंजीनियरिंग का, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की, दो वैकेंसी है, 5वां स्केल है, मैट्रिक साथ दोस्तों डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। ड्राइवर 6 वैकेंसी है, 4था स्केल है, LTV लाइसेंस होना चाहिए, 21 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। ICU अटेंडेंट 10 वैकेंसी है, 3था स्केल है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। लेकिन लास्ट पे दोस्तों डार्क रूम अटेंडेंट, 6 वैकेंसी है, 3था स्केल है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए। लास्ट पे दोस्तों एक्सरे अटेंडेंट, 6 वैकेंसी है, 3था स्केल है, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, 20 से 35 साल तक की एज की लिमिट है और सिंध कराची के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जिस पोस्ट में भी अप्लाई करना है, आप लोगों ने वाजिया तौर पर नाम मेंशन करना है उस पोस्ट का। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ 2 अदद शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, डोमिसाइल, PRC और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने साथ लगा कर बाई पोस्ट भेजने हैं और आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स 17वें स्केल के ऑफिसर से तस्दीक करवा के बाय पोस्ट भेजने हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 10 जुलाई 2020 है। नाम कमल या ईमेल के जरिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को
के इंटरव्यू दोस्तों मुनक्कद हुए हैं 16, 17, 18 और 19 जुलाई को सुबह 9:30 से 3 बजे तक सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल में। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश है तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, स्टार्टिंग में दोस्तों आप लोगों को 89 डेज के लिए हायर किया जाएगा, 99 दिन के लिए आप लोगों को भर्ती किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों के परफॉर्मेंस की बेस पे आप लोगों की जो जॉब है वो एक्सटेंडेबल कर दी जाएगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।